हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं खुशहाल डागर। तो भाई आज हम बैठे अपनी महिंद्रा थार में, देख सकते हो आप। तो आगे से बोनट खुला हुआ है, मतलब गाड़ी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जरूर हो रही है। जो भाई ऐसे बोनट भी खुल रहा है और हम आ रखे हैं भाई दलाल कार ऑटोमोटिव पे, तो मतलब कुछ ना कुछ तो काम होएगा गाड़ी में। तो क्या मॉडिफिकेशन इसमें करवानी है और क्या इसमें रह रही थी भाई, हर चीज़ मैं आपको वीडियो में बताता हूँ आगे। तो एक बार थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या काम करवाना है। तो इसमें भाई एक तो फोग लैंप इसके डिपर नहीं मार रहे, जो इसमें IPS के प्रोटेक्टर मिलते हैं, एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो भाई ये अपने जो प्रोजेक्टर फोग लैंप है, ये डिपर नहीं मार रहे, तो भाई उसके तार वार चेक कर रहे हैं थोड़ा, तो इनको करवाते हैं। और एक अपनी भाई ऊपर की जो रूफ लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रही थी, देखो जैसे हाथ हटाते हैं बंद हो रही है वो, तो इसका थोड़ा तो भाई टच काम कर रही है उसकी, तो इसको एक बार इसका तार थोड़ा टाइट करवा देंगे। और क्या मॉडिफिकेशन करवानी है, एक भाई इसको हम रैप करवाएंगे, फिर देखते हैं कैसी लुक आएगी गाड़ी की। ग्लोसी ब्लैक करवाएंगे इसको। और बात करते हैं इसकी, ये चेंज करवाने भाई ये थोड़े पसंद से नहीं आ रहे, देखते अगर इससे अच्छे में ऑप्शन मिल गया तो इससे अच्छे डलवा लेंगे। और कुछ इसके अंदर देखो भाई मॉइस्चर सा बन रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं थे, इसमें शायद थार वाले लगवाएंगे और देखते हैं कैसा क्या लगते हैं। और तो कुछ मॉडिफिकेशन होनी नहीं है भाई, ये इसको पूरा रैप करवा देंगे। और एक बार इधर से देख लो, लुक बताओ भाई कैसी आ रही है गाड़ी की पीछे से अलॉय व्हील के साथ। तो एक बार गाड़ी को थोड़ा बंद कर देते हैं। और हाँ, एक सबसे मेन चीज़ इसकी भाई ये स्क्रीन बदलवानी है, मैक्स लिंक की जो हमने डलवा रखी है, इसमें थोड़ा मज़ा सा नहीं आ रहा भाई। ये है तो इसकी प्रीमियम वायरलेस एप्पल कारप्ले के साथ, पर देखो टच भी ठीक है, मतलब थोड़ा लेट सा रिस्पॉन्स है, मतलब मज़े वाली बात नहीं है। ये ठीक करवाएंगे और देखते हैं अब कौन सी डलवाते हैं। ये देखो, देखते हैं भाई कि कौन सी क्या 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 होता है गाड़ी में, आपको आगे वीडियो में अपडेट मिलता रहेगा। फोग लाइट का अपना काम हो चुका था, मतलब डिपर ये मारने लग गया, हाई बीम लो बीम जो अपना ये था फोग लाइट IPH के प्रोजेक्टर। और अब चलते भाई गाड़ी में हो रहा है पीछे काम, तो पीछे और दिखा देता हूँ क्या काम हो रहा है। तो पीछे जैसे मैंने बताया था भाई अपना कैमरे का काम हो रहा है, और जो अपने रिफ्लेक्टर थे वो मैंने बदलवा दिए। ये जैसे मैंने आपको बोला था थार वाले भाई वही डलवाए हैं सेम टू सेम। और अब इसमें भाई थोड़ा कैमरा हमने चेंज करवाया, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो अब कैमरा नया डलवाया है, ये देख सकते हो आप। और अपने रिफ्लेक्टर वगैरह भाई अपने डलवाई दिए, और जो आगे कुछ करवाएंगे वो आपको आगे अपडेट मिलेगा। इस पर रैप होगा, अभी फिर देखते हैं कैसा क्या रैप होता है। अंदर से अभी कुछ नहीं करवाया, स्क्रीन भी चल रही है अभी। तो भाई टाइम हो गया आपका 3:08, 2 घंटे हो चुके हैं भाई, अभी तक इतना ही काम हुआ है। चलो मिलते हैं आपसे आगे नए अपडेट के साथ। भाई फाइनली अपनी स्क्रीन निकल चुकी है, दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये भाई अपनी मैक्स लिंक की पीछे से ऐसी कुछ है, एंड्रॉयड भाई इसमें वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो था, ये देख सकते हो आप 9 इंच 2+16 है। अब देखते हैं कौन सी डलेगी, ये है भाई अब देख लो आप। मेरे को तो कोई डिफरेंस बाहर से तो लग नहीं रहा, चलाने के बाद पता चलेगा। और भाई अपना मतलब अब तो एक ही ऑप्शन बचा इसको पेंट करवाने का, तो इसको भाई ग्लोसी ब्लैक पेंट करवाएंगे और फिर देखते कैसी क्या लुक आती है। भाई फोग लैंप हमने करवा लिया अपने, आगे से और कुछ नहीं करवाया, फोग लैंप की मतलब जो हाई बीम लो बीम नहीं मार रहा था वो करवाया है। और बात करते हैं पीछे से, तो पीछे से भाई अपने रिफ्लेक्टर ये नए डलवाए हैं, और भाई ये अपना कैमरा नया डलवाया है। तो इनकी कॉस्टिंग अराउंड भाई अपने को 3,000 के समथिंग हुआ था कैमरा और पीछे का रिफ्लेक्टर, तो काफ़ी अच्छा काम हो गया भाई। एक बार कैमरे क्वालिटी और दिखा देता हूँ। और एक चीज़ और भाई, हमने ये लगवाया भाई इसका अपना ये मिरर, इसके नीचे छोटा मिरर मिलता है देख सकते हो, तो ये मिरर चेंज करवाया, आगे बड़ा मिरर लगवा दिया। तो एक गाड़ी होगी अपनी स्टार्ट, तो एक बार कैमरा और दिखा देता हूँ। तो अब जैसे स्क्रीन ऑन होगी, बात रही इसकी मैक्स लिंक की, तो भाई उन्होंने रिप्लेस करके ये सेम ही दे दी है। तो अब एक बार मैं दिखा देता हूँ डिपर कैसे लग रही है फोग लैंप से, तो दोनों बढ़िया लग रहे हैं भाई डिपर। और अपनी जो रूफ लाइट ख़राब हो रही थी भाई वो भी ठीक करवा दी, ये थोड़ा सा पता नहीं
हैंग ही सा लग रहा है मेरे को अभी भी। और ऐसा कुछ भाई, बैक कैमरे की क्वालिटी हमने चेंज करवा दिया है। तो भाई ऐसी कुछ क्वालिटी है और ऐसी कुछ थीम मिल जाती है अपने को। तो अब थोड़ा बहुत अपने बोनट में भाई जो अपना सायरन नहीं चल रहा था, एक बार उसको दिखवा रहे क्या दिक्कत आ रही है, एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो भाई सायरन अपने इसको ठीक करवा रहे हैं। तो भाई अपनी छत तो रैप हुई नहीं, तो हमने कुछ लेना था गाड़ी के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, तो हमने भाई ये लिया है। तो ये 3200 कुछ रुपए का पड़ा है भाई टायर इन्फ्लेटर। तो एक बार इसकी वो करवाते हैं, एक बार हवा निकालते हैं। अभी हमने हवा नापी थी, एक बार आपको और दिखा देता हूँ भाई इसमें कितनी हवा है कितनी नहीं है। तो इसको ऐसे लगाते हैं भाई और ये नट सा कर देते हैं। तो अभी इसमें हवा दिखा रहा है भाई अपनी, देख सकते हो 30। तो जैसे 20 और 40 के बीच में 30 है भाई ये। तो इसकी हवा निकालते हैं और फिर देखते हैं पूरा 30 भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। एक बार इसको भाई जब तक हवा निकलती है जब तक मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भाई एक बटन लग रहा है, ये बटन किस चीज का लग रहा है भाई ने वो काट तो दिया मैं बताने से पहले एक बार। तो भाई जो अपनी रूफ लाइट्स है इनका बटन लगवा रहे हैं। इनका बटन क्यों लगवा रहे हैं, क्योंकि भाई कई बार जैसे दिन में यूज नहीं होता, और एक बार अपनी हैरियर का पुलिस वालों की वजह से भाई चालान कट गया था, क्योंकि हम ये जलती रहती है तो उनको मतलब पता नहीं, फिर भी कह रहे थे कि अलाउड नहीं है, उन्होंने भाई काट दिया। तो इनको भाई दिन में बंद करके रखते हैं, रात को अपने मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है पर लुक एक नंबर आती है इसकी। तो इस वजह से भाई बटन लग रहे, जब बंद करना चाहे जब बंद कर दो, जब ऑन करनी हो जब ऑन कर लो, तो दिन में कोई यूज नहीं है, तो इसलिए भाई बटन लगवा रहे हैं। दिखा देता हूँ एक बार, तो ये बटन लगा रहे हैं भाई ऐसा कुछ। तो भाई काट रहे, पहले छोटा बटन था वो, उसमें फेविक्विक गिर गई थी गलती से, तो लॉक हो गया था भाई, वो वर्क नहीं कर रहा था, तो इस वजह से बड़ा बटन लगवा रहे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का। तो अभी हवा तो निकल ही नहीं रही इसकी, निकलती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अब टायर बिल्कुल हमने फ्लैट इसलिए नहीं करा भाई, क्रोम के अलॉय व्हील है, थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता था, तो मतलब जैसे पिंचर होता है तो भाई इतनी बहुत थोड़ी बहुत तो इसमें बची जाएगी हवा। तो अब एक बार देखते हैं कितनी देर में भरता है, एक बार प्रेशर दिखा देता हूँ कितनी हवा है अभी इसमें। 45 है, तो प्रेशर देख सकते हो भाई आपके सामने, मैंने पूरा कस दिया है, तो सुई बिल्कुल भी नहीं उठ रही भाई, प्रेशर तो जीरो है। अब एक बार इसको लगाते हैं और फिर देखते हैं कितनी देर में हवा भर देगा। टाइम मैं दिखा देता हूं आपको, 4:19 हो रहे हैं, 22 इंच के अलॉय हैं। टायर की प्रोफाइल की बात करते हैं, तो भाई कहाँ है इसकी प्रोफाइल, ये रिवाइज की प्रोफाइल 305/40 और भाई R22। एक बार देखते हैं थोड़ा इसको खोलते हैं इसकी वायरिंग जल्दी से। तो भाई टाइम हो रहा है 4:20, हवा बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिखा रहा, जीरो है, तो इसको ऑन कर देता हूँ। ये तो भाई लाइट का बटन है, यहाँ पे लाइट भी अभी इन्फ्लेटर ऑन हो चुका है, अभी इतना प्रेशर देखते कितनी देर में भरते हैं। टाइम भाई अपना 4:20 है, गाड़ी भाई स्टार्ट कर रखी है हमने, क्योंकि बैटरी पे थोड़ा बहुत रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता डेडी हो जाए। तो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में, देखते हैं कितनी देर में हवा भर जाएगी अपनी 30। तो भाई प्रेशर हो चुका है अपना 20+ जा चुकी है गाड़ी, जैसे ही 2 पे आ जाएगी ये तो मतलब अपनी 30 हवा हो जाएगी, अभी थोड़ा बहुत लग रहा है। तो इसको लगे भाई अभी टाइम हो रहा है 4:23, मतलब 3 मिनट में इसने हवा भर दी है। तो अब देखते हैं कितना टाइम और लगेगा, गाड़ी अपनी स्टार्ट खड़ी है अभी भी, दिखा देता हूँ एक बार RPM की तरफ 8.8 की एवरेज शो कर रही है, पेट्रोल ऑटोमेटिक लो टायर प्रेशर की इसमें वो आ गई थी वार्निंग। तो भाई कंपनी वाला स्टीरियो है नहीं जो इसमें बता देगा कितना टायर प्रेशर कम है, अभी भाई अपना यही है, तो अब देखते हैं कितनी देर में और भर देता है। थोड़ा सा रह रहा है भाई टायर, वैसे देखने से तो भाई पूरा ठीक लग रहा है, देख सकते हो 22 इंच का टायर है, तो भाई टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा इसमें। तो भाई हवा अपनी पूरी हो चुकी है, देख सकते हो
और टाइम की बात करते हैं तो 4:26 हो गए यार। इसको अब कर देते हैं बंद। तो ये हो चुका बंद और देखो भाई स्विमिंग पूल पूरी दो पे मतलब प्रॉपर 30 है, मतलब ये भर देता है भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। काफ़ी अच्छा टायर इन्फ्लेटर है, तो अब इसको निकाल देते हैं। और मतलब हीट हो रखा भाई बहुत ज़्यादा, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे मतलब हाँ जैसा होता है ये टायर सा ज़्यादा हीट हो रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो रहा भाई हीट तो, यहाँ पे तो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। पर हाँ भाई ये है 6-7 मिनट हो गए, पूरे 7 मिनट में पूरी हवा भर दी भाई 22 इंच के टायर में। स्टेपनी बदलने की ज़रूरत नहीं है पड़ती भाई इसमें, तो मतलब वही 15-20 मिनट तो भाई आराम से लग जाएंगे। यहाँ से खोलेंगे इन टायर को, खोलेंगे जैक चढ़ाएंगे, ज़्यादा टाइम लगता है तो इससे अच्छा तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को 3,500 रुपये के हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई। मैक्स लिंक का है ये वैसे तो, पर भाई मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, पर जिस हिसाब से भाई इसने हवा भरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ऐसे कुछ अपने रिफ्लेक्टर चल रहे हैं और इसमें भाई सक्सेस हो नहीं पाई, तो अपने सारा काम ये दलाल ऑटोमोटिव पे करवाया था। स्टीरियो हमने भाई ने चेंज करके वो ही दे दिया है, मतलब दूसरी मतलब कंपनी वही है, मतलब स्टीरियो सेम मॉडल सेम है, दूसरा दे दिया भाई स्टीरियो की, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर से रिप्लेस करके दे दूंगा। ये अपना भाई सारा काम दलाल ऑटोमोटिव पे हुआ है। एक्सयूवी आ चुकी है, भाई ने नंबर भी 13T0700 लिया है, एक्सयूवी 700 में ऑल व्हील ड्राइव है, काफ़ी तगड़ी लग रही है भाई, पूरी ब्लैक भाई ने रैप करवा रखी है। इसकी वीडियो भी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को भाई यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।